3 फरवरी यानी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संस्थापक सदस्य और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की। इस पर पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरा बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनका पालन करने का मैंने प्रयास किया। अपने आधिकारिक बयान में आडवाणी ने लिखा, अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न स्वीकार करता हूँ। ये न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान है बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है जिनसे मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा की है। उन्होंने कहा, जब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उसके स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुआ हूँ, तब से जीवन में मुझे जो भी कार्य सौंपा गया है मैंने उसे निस्वार्थ किया। बता दें कि 1990 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात करते हुए अपना रथ यात्रा के माध्यम से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे फोन पर बात भी की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत के विकास में लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका पर जोर दिया और उन्हें देश के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक बताया।